दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर शादी के बाद भी इस अभिनेता को पसंद करने के बाद विवादों में आ गई हैं, जिनका नाम जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इससे पहले अगर आपको भी सोनम कपूर अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ताजा और मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बॉलीवुड में यह अक्सर ही देखने को मिलता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी कुछ अभिनेत्रियां दूसरे अभिनेताओं के तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है अभिनेत्री सोनम कपूर के साथ, जो कि अपनी शादी के इतने समय बाद बॉलीवुड के अभिनेता की तरफ अपना झुकाव देख रही हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री सोनम कपूर ने पिछले साल बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की थी। गौरतलब है कि सोनम कपूर की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। उनके पिता अनिल कपूर ने अपनी बेटी की शादी में देश की सभी बड़ी हस्तियों को बुलाया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि सोनम कपूर बॉलीवुड की हैंडसम एक्टर टाइगर श्रॉफ को बहुत पसंद करने लगी हैं। जी हाँ, यह खबर बिल्कुल सच है। दरअसल अनिल कपूर के तीनों बच्चे सोनम कपूर, हर्ष वर्धन और रिया कपूर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आए थे। वहां करण जौहर ने उनसे ऐसे सवाल पूछे जिनके बारे में तीनों ने बहुत बड़े खुलासे कर दिए, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता थे। हर्षवर्धन से जब करण जौहर ने पूछा कि आप रणबीर कपूर से कौन सी चीज पाना चाहोगे, तो उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लेकर सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद बारी आई सोनम कपूर की, तो उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर टाइगर श्रॉफ को बहुत पसंद करती हैं। जी हां, यह सुनकर एक बार तो करण जौहर भी हैरान रह गए थे। सोनम ने कहा कि टाइगर श्रॉफ की फिटनेस ने तो उन्हें उनका दीवाना ही बना दिया है। इसके बाद तो सोनम ने हद ही कर दी जब उन्होंने कहा कि वह टाइगर श्रॉफ को इतना ज्यादा पसंद करती हैं कि वह हर समय जानना चाहेंगी कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इस पर जब करण जौहर ने उनसे पूछा आर यू श्योर, मतलब आप सच में यह जवाब टीवी स्क्रीन पर देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने जवाब से पीछे नहीं हटूंगी। बाद में सोनम कपूर ने यह कहकर बात को टालना शुरू कर दिया कि वह जरूर चाहेंगी कि वह एक बार तो टाइगर श्रॉफ के साथ बतौर हीरोइन काम करें। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे कुछ और मत समझिएगा, मैं बस टाइगर श्रॉफ को पसंद करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अपने इस जवाब के साथ साथ वह और भी कई सवाल दर्शकों के लिए छोड़ गई, जो कि उनकी निजी जिंदगी में भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सोनम कपूर सच में टाइगर श्रॉफ को चाहने लगी हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।